जय जीरेन दोस्तों, अंजू के रसोड़े में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दीपावली की जोर शोर से तैयारी चल रही है। हम लोगों ने मिठाई बनाने के लिए संगीता दीदी की मदद ली है, जो कि खाना बनाती हैं। वो आपको जय जीरेन कर रही हैं। यहाँ पे मेरी सासू माँ बैठी हैं, जो कि 80 साल की है, वो भी आपको जय जीरेन कर रही हैं। दोस्तों, उनकी क्या आदत है, उनका टाइम पास नहीं होता है तो वो हम लोगों के साथ बैठ जाती हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मीठी सलोनी का आटा लग गया है। अब नमकीन खुरमी बन रही है, इसके लिए मैं इसमें नमक और अजवाइन दे रही हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ क्या होता है, जो ये मतलब बूढ़े रहते हैं, मतलब बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, वो घी की मतलब मोयन भी खाते हैं, वो घी में ही तल के खाते हैं। तो अब देखिए कितने अच्छे तरीके से उसका डो तैयार कर लिया है और मम्मी उसे अच्छी तरीके से मेश कर रही है। दोस्तों, मैंने उन्हें कितनी बार कहा कि मैं मेश करके दे देती हूँ, लोगों ने कहा नहीं मैं करूँगी, मुझे बहुत मन लग रहा है। तो देखिए ये मीठी खुरमी का आटा को संगीता दीदी कर रही हैं और एक तरफ मम्मी बेलते जा रही है। अब मम्मी को संगीता दीदी की क्या है, बेलना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो मम्मी अपनी तरीके से बेल के उन्हें बता रही हैं कि ऐसा बेलो और इस तरीके से कट करो। तो संगीता दीदी भी बड़े ध्यान से देख रही हैं कि मम्मी किस तरीके से कट कर रही हैं, और उन्हें भी अच्छा लग रहा है कि नहीं मैं इस तरीके से कट करी। देखिए संगीता दीदी ये कट कर रही हैं। कट करने के बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया है, इसे मिटा दिया है, कहा नहीं मैं मम्मी की तरीके से करूँगी और उनसे बहुत अच्छी चीज़ सीख रही हूँ। देखिए मम्मी कितने अच्छे बुढ़ापे में ये कितना प्यारा हाथ से धीरे 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 फोल्ड करते जा रही है। दोस्तों, आप वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। इस तरीके से फोल्ड करती हैं। अब देखिए धीरे से उसे कितने अच्छे चक्कू की सहायता से कट करेंगे। कट करने के देखिए कितना प्यारा कट करके उसको निकाल रही हैं। और दोस्तों, वाकई में मुझे भी लग रहा था मम्मी क्या कर रही हैं, जब ये तले ना दोस्तों इतनी अच्छी इसमें परत पे परत जो खुरमी तैयार हुई देखते ही बनता था। तो मैंने कहा चलो मैंने भी सासू माँ से कुछ तो सीखा, क्योंकि दोस्तों हमें कितना भी कुछ आए लेकिन हम अपने पुराने जो बुजुर्ग रहते हैं उससे हमें सीखने की ज़रूरत पड़ती। देखिए कितने अच्छे तरीके से वो इसको पुश करते जा रही है। और दोस्तों, तलने के बाद भी वाकई में इतना अच्छा इसमें डिजाइन तैयार हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए कि देखिए एक 80 साल की महिला, जो हम अपना काम नहीं कर सकते लेकिन हमारी मम्मी इतनी अच्छी है भगवान की दया से कि वो सब काम कर लेती हैं और हम लोग को भी उल्टा करके दे देती हैं। तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मम्मी को देख के। और क्या होता है ना दोस्तों, उनके साथ काम भी करती हैं तो क्या है, एक प्रकार से उनका मन भी लगा रहता है, क्योंकि पापा के जाने के बाद मम्मी बिल्कुल अकेली हो गई है। देखिए कितना अच्छा तैयार हो चुका है। अब वो संगीता दीदी को देते जा रही हैं और कह रही हैं कि तलो। अब तलने के बाद देखते हैं दोस्तों क्या तैयार होता है और आपको पसंद आता है कि नहीं आता। इसी तरीके से दोस्तों मीठी खुरमी तैयार करी है ये, और नमकीन खुरमी तैयार करी है। मीठी खुरमी में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, चाशनी बना के उसमें हल्का सा दूध डाल देते हैं। दूध डालने से क्या होता है, चाशनी बहुत अच्छी बनती है। देखिए दोस्तों खुरमी तैयार हो रही है, और देखना आप अच्छे से देखते जाइए दोस्तों, इतनी परत तैयार हुई है। देखिए आटे की है, जबकि तो मुझे लगा क्यों ना अपने दोस्तों को दिखाया जाए। तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।